तो आज मैं सोच रही थी थोड़ा अर्ली में कुछ बनाया जाए, तो मैंने झटपट वाली सब्जी बनाई, वो भी बंद गोभी की, कैबेज की। तो पैन को गरम किया, डाला 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, 1 लाल मिर्च, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा जीरा, और मैंने 1 कटे हुए प्याज को डाला। प्याज जब अच्छे से भुन जाएगा तो पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ध्यान रखें, पत्ता गोभी को हमेशा बहुत अच्छे से 3-4 बार पानी से अच्छे से वॉश करें, क्योंकि उसमें काफ़ी गंदगी होती है। फिर मैंने उसको अच्छे से स्टेनर से स्टेन कर लिया, और प्याज भूनते ही मैंने इसमें डाल दिया। ऊपर से डाला थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से किया मिक्स। और इसमें मैंने ऊपर से कोई भी मसाला ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि शाम है तो शाम को हम लोगों को हमेशा लाइट खाना रहता है, तो इसी वजह से मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई। और ये जब अच्छे से फ्राई हो गया तो मैंने ऊपर से थोड़ा 1 टमाटर काट के डाल दिया। और तब तक जब ये सब्ज़ी भून रहा था, मैंने सोचा अपने प्लांट्स आपके साथ शेयर करूँ। तो मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ है, मैंने सारे प्लांट को अच्छे से वॉश कर लिया था और पानी डाल दिया था, गर्मियाँ आने लग रही है। फिर मैंने ऊपर से मटर डाल दिया पत्ता गोभी में, और इसे अच्छे से कवर करके 10 से 15 मिनट तक कुक किया। जब ये अच्छे से कुक हो गया, मैंने ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया। गरम मसाला पाउडर आप इसमें ऐड करना ना भूलें, और इसे फिर ढककर आप 10 से 15 मिनट तक कुक करें, और ये बिल्कुल रेडी है। सब्ज़ी काफ़ी डिलीशियस बनी थी, इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।